सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। लोग कहेंगे मत कर तो वो काम करना छोड़ देंगे। माना जिंदगी का रास्ता कठिन है तो क्या चलना भी छोड़ देंगी। ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को संभालना, फिर चलना, यही संघर्ष है, यही जीवन की सच्चाई है। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं मीठे है ना, बाद में नमक लगा के खाते हैं। आज का पंचांग 20 दिसंबर 2023 दिन बुधवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:07 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नामक नक्षत्र रात्रि 12:02 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:45 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:02 से 4:21 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर शाम 6:21 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 20 दिसंबर 2023 दिन बुधवार, आप अभी कुछ नया सीखने के मूड में हैं। रचनात्मक और आध्यात्मिक विचार आपको आकर्षित कर रहे हैं। व्यवहारिक चिंताओं को नजरअंदाज न करें। कार्य घर की मरम्मत आपसे समय की मांग कर सकती है। जुए या लॉटरी में पैसा बर्बाद न करें। इस धन को बुरे दिनों के लिए बचाएं। आज कानूनी परेशानी से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा समय है। जीवन के हर तरह के संघर्ष से मुक्ति मिलेगी। परिवर्तन जीवन का सार है, इसीलिए लचीला बने। जब बात रोमांस की आती है तो आज अपेक्षाएं अधिक होगी। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होती हैं। आप प्रेरणा से भरे हैं और काफी अच्छी स्थिति में भी हैं। आपका दिमाग सक्रिय है और इसमें नए नए विहार और नीतियां आती रहती है। आज के दिन आपके लिए सफलता से भरा रहेगा। हालांकि अगर आपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो यह सब उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। सेहत बढ़िया रहेगी। ऐसा लगता है कि आप जानते हैं कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन आज अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाने से बचें। अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें, यह सबसे बेहतर मरहम है। ये कभी न खत्म होने वाली खुशियों का स्रोत साबित होंगे। अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर ज्यादा बातें न करें। हाल में विकसित किए गए व्यवसायिक संबंध आगे चलकर बहुत फायदा देंगे। घर के छोटे सदस्यों के साथ गप्पे लगाकर आज आप अपने खाली समय का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है, कोई बात साझा करना भूल गए थे। व्यवस्थित दिनचर्या व्यतीत होगी। समान विचारधारा वाले किसी व्यक्ति से मुलाकात होने से नई बातें सीखने को मिलेगा। किसी मांगलिक समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा। व्यक्तित्व में निखार आएगा। बच्चों से संबंधित कोई अटका हुआ काम हल हो सकता है। परिवार का साथ मिलने से व्यक्तिगत जीवन में काफी बदलाव आएगा। अकेलापन दूर होगा। मनमुटाव न रखें। किसी के साथ नाराजगी है उस व्यक्ति के सामने प्रकट करें। काम की जगह मिल रही प्रशंसा की वजह से आपका डेडिकेशन बढ़ने लगेगा। रिलेशनशिप से जुड़े नकारात्मक विचार दूर होकर पार्टनर को देखने का नजरिया बदलेगा। कब की तकलीफ हो तो सेहत का ज्यादा ख्याल रखें। अध्यात्म और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा। आपको अपनी प्रतिभा और क्षमता दूसरों को दिखाने का अवसर मिल सकता है। संतान की सकारात्मक गतिविधि में शिथिलता रहेगी। करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों से संबंध खराब ना करें। आपको अन्य लोगों की मदद के लिए और अधिक विवेकपूर्ण होना होगा। सावधानियां, अपने खास वस्तुएं संभाली। घर में चल रही समस्या को सुलझाने में गुस्से के बजाय समझदारी से काम ली। बच्चों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार रखें। ध्यान रखें कि घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बना रहे। बात करते हैं लव लाइफ की। अब समय आ गया है जब आप अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करके प्यार के खेल का पूरा मजा लें।
अपने जीवन साथी की प्रशंसा करें, उसे ऐसे ही स्वप्न लोक में ले जाएं जिसकी कल्पना वो हमेशा से करता रहा है। दौड़ भाग भरे इस दिन में आप अपनी सेहत का ध्यान रखना ना भूलें। अगर आपके निजी या व्यावसायिक जीवन में किसी भी तरह का मतभेद है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज अच्छा दिन है। नई चीजें आपको आकर्षित करेगी और आप नए बदलावों का आनंद लेंगे। आपका पार्टनर अधिक प्यार व ध्यान की उम्मीद रखता है। आप भी अपने प्यार से उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट करने में कोई कसर न छोड़े। यह जरूरी है कि आप अपने रोमांटिक लाइफ के मामले में आराम से काम ले। आप हर एक भावना के बारे में बहुत जल्दी गंभीर हो जाते हैं। ऐसा करते रहना अब संभव नहीं होगा। आपको अब जरा धीमे चलना होगा। अपनी बेचैनी को रोमांस और प्यार के इजहार के पुराने तरीके में बदल ले। हालांकि आपका दिमाग आपको सब कुछ तेजी से करने को कहेगा। प्यार भरे छोटे छोटे इशारे आपकी बात को समझाने के लिए काफी है। बात करते हैं करियर की। तीय और करियर से संबंधित योजनाओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों नतीजों पर विचार करना होगा। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी करियर से संबंधित योजना का एक सूची बनाकर रखना होगा, जिससे आप लाभ और हानि का विश्लेषण कर सके। दोबारा अपने निर्णय का मूल्यांकन करें। एक जानकार व्यक्ति से राय प्राप्त करना भी सार्थक हो सकता है। आज के दिन आपके लिए शुभ है। जहाँ एक ओर आपको धन लाभ होगा, वहीं मनोरंजन आपको फ्रेश और प्रसन्न रखेगा। अपनी कल्पना के घोड़े को ऐसे ही दौड़ाते रहें, वह बुद्धिमान दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। याद रखें, भीड़ से कुछ अलग करने वाला ही अपनी पहचान बनाता है। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए। तो अब समय है काम करने का। व्यक्तिगत या पेशेवर मतभेदों को आज हल करें। बदलाव जीवन का सत्य है, इसीलिए इसके लिए हमेशा तैयार रहें। याद रखें, उपलब्धियों के लिए उच्च उम्मीदों के साथ साथ कड़े परिश्रम को भी अपना हथियार बनाएं। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर सुधार आएगा। कामकाज की अधिकता रहेगी। समय अनुसार काम निपट ही जाएंगे। अनुभवी और वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपके कार्य क्षेत्र में उन्नतिदायक रहेगा। हस्ताक्षर करने से पहले पेपर्स की जांच पड़ताल अवश्य कर ले। बात करते हैं सेहत की। आपको अपने आँखों का विशेष ध्यान रखना होगा, विशेषकर जब आपके काम में आँखों का विशेष काम है। जिनको ज्यादा पढ़ने फोटोग्राफ लेने होते हैं या पूरा दिन कंप्यूटर पर काम करना होता है, उन्हें अपनी आंखें जांच करवाकर आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किताबों और कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी थकी आंखों को आराम देकर प्राकृतिक दृश्यों को निहारना भी अच्छा विकल्प है। आज का उपाय। आज अब गणेश भगवान जी को मोदक का भोग लगाए शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।